इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने एक और तरह का नोट ही इशू किया है, जो कि बेरर बॉन्ड है, जैसे नोट होता है, जो कि 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक की डिनोमिनेशन में इशू होता है। तो सिर्फ स्टेट बैंक इशू करता है, स्टेट बैंक से जाके कोई जना भी खरीद सकता है, वो चेक से या बैंक ड्राफ्ट से या बैंक ट्रांसफर से। उसका जी केवाईसी, उसका नाम तो वहाँ दर्ज हो जाता है कि इस आदमी ने ये खरीदा, ये बॉन्ड जी खरीदा इतने का। और बॉन्ड पर एक नंबर भी होता है, वो नंबर भी दर्ज हो जाता है कि ये नंबर का बॉन्ड खरीदा गया। जी उसके बाद वो बॉन्ड वो किसी को भी दे सकता है, क्योंकि कैश की तरह है, उस पर किसी का नाम तो होता नहीं, बॉन्ड के ऊपर नाम नहीं होता, ना एक खरीदने का, वाले का ना जिसको दिया जाएगा उसका, हाँ तो किसी का इस नाम, तरह से नोट है जिस नोट पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नोट की तरह है, 1 करोड़ रुपए का नोट है। और फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पार्टी को नेशनल इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में 1% वोट से ज़्यादा मिला है, जी। उनमें से किसी भी पार्टी को आप वो बॉन्ड दे सकते हैं और वो लोग उसको एनकैश कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब वो लोग एनकैश करेंगे तो स्टेट बैंक के पास ये तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इस पार्टी ने, फलां पार्टी ने इस नंबर का बॉन्ड एनकैश किया। जी लेकिन उस पार्टी को, अब इन्होंने कई सारे कानून में संशोधन किए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, उसको जी अनोनिमस बनाने के लिए, यानी जी कि उसको गुप्त रखने के लिए। हाँ पहला तो ये अमेंडमेंट किया कि पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पूरा डिस्क्लोजर देना होता है कि किन लोगों ने उनको चंदे दिए 20,000 जी से ऊपर के, पेटी हाँ कैश को छोड़कर। उसमें एक एक्सेप्शन कर दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको नहीं बताना पड़ेगा, अब बस इतना लिखेंगे कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा मिला, किसने दिया कहने की बस, जरूरत नहीं। हाँ हाँ वो जरूरत नहीं है। उसी तरह से कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें लिखना होता है कि भाई उसने अपने पैसे कहाँ से कहाँ खर्च किए, कहाँ से आए कहाँ खर्च किए। तो उसमें नॉर्मली ये लिखना होता है, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा दिया तो हमने इतना चंदा इस पार्टी को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में उन्होंने लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि आपने ये बॉन्ड किसको दिया। हाँ जी। तो इसलिए उसको हर तरह से अनोनिमस बना दिया कि बस स्टेट बैंक के पास ये जरूर इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई ये बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने डिपॉजिट किया। लेकिन स्टेट बैंक के अलावा किसी और को नहीं पता लगेगा। उसके स्कीम में यह लिखा था कि कोई अगर एजेंसी लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, वो लोग स्टेट बैंक से पूछ सकते हैं, और कोई कोर्ट को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो भी पूछ सकते हैं, पर उसके अलावा किसी को नहीं ये बताया जाएगा कि ये बॉन्ड किसने खरीदा, किसको दिया। और जी इस तरह से पार्टीज के फंडिंग का ये जो नया इंस्ट्रूमेंट आया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, ये अब पार्टियों के फंडिंग का, खासकर रूलिंग पार्टीज के फंडिंग का, मेनली तो रूलिंग पार्टी के फंडिंग का मेन जरिया हो गया। अभी जैसे 2018 के एक प्रश्न फरवरी में, बनना चाह रहा था प्रशांत जी आपसे, तो आप समझ लीजिए आप नागरिक हैं और मैं पार्टी, आप मुझे 10 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, आप गए बैंक में और आपने 10 करोड़ रुपए का खरीद लिया, एक बेरर बॉन्ड टाइप सा खरीद लिया, और वो आपने चाहे मुझे दिया चाहे किसी और को दिया, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रशांत भूषण से मिला है, प्रशांत भूषण को ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने योगेंद्र यादव को दिया है, तो करेक्ट, मुझे पता है आपको पता है और स्टेट बैंक को पता है, जी और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर जानना चाहे तो उसे पता है। तो ठीक, मैंने मोटी भाषा में कहें, पहले होता था कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर किया जाता था, अब ये 1 नंबर के पैसे को 2 नंबर के तरीके से दिया जाएगा, मतलब व्हाइट मनी को ब्लैक रूट से दिया जाएगा, गुप्त दान होगा,
और शायद व्हाइट मनी का इसलिए रखा है कि व्हाइट मनी दे सके ताकि आपको इस पे जो 100% टैक्स की छूट मिलती है वो मिलती रहे। तो आपको गुप्त, मतलब गुप्त दान देंगे लेकिन दो नंबर के रूट से नहीं, आपको एक नंबर के रूट से देने की इजाजत है गुप्त दान करने की। और कहने को यह है कि सिर्फ आपको, मुझे और स्टेट बैंक को पता है, लेकिन अगर ईडी को पता है तो हमें पता है कि अगर ईडी को पता है तो किसे पता है? रूलिंग पार्टी को सब कुछ पता है। इसका मतलब है ईडी को पता लग सकता है, ईडी को पता लग सकता है, अगर चाहे पता करना चाहे तो पता कर सकती है। और दूसरी इसमें अजम्पशन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी गुप्त बरतेगा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से फोन आने पे भी स्टेट बैंक उसको बताएगा नहीं, जो कि शायद ऐसा तो नहीं होता इस देश के अंदर, ये तो चीजें बड़े खुल के होती हैं। तो दिक्कत सारी ये है कि पहली बात तो कि इस स्कीम में एक गुप्त दान की व्यवस्था कर दी गई है जिसका पता नागरिकों को नहीं पता लगेगा। आपको पता है, मुझे, लेने वाले को पता है, देने वाले को पता है, और ऊपर वाले को पता है, यानी कि जो सरकार चला रहा है उसे पता है, बाकी किसी को पता नहीं लग सकता। ये नई स्कीम बनाई गई है और ऐसी स्कीम पहले कहीं नहीं थी। हाँ, मतलब हमारी जानकारी में तो कहीं नहीं थी जी, मतलब कम से कम इंडिया में तो नहीं थी ना, नहीं, और भी किसी देश में, और किसी देश में भी नहीं थी। तो इसे लाया क्या गया, क्यों, किस नियत से इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाए गए, किस नियत से लाए गए, क्या इसके पीछे सोच थी? बिल्कुल नई नवेली चीज जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी, हमने ही मतलब दुनिया में ऐसा आविष्कार कैसे किया, कब और क्यों? देखिए, हमारा तो ये मानना है, मेरा ये मानना है कि ये इसलिए किया गया जिससे कि कंपनियां सरकार को घूस दे सकें। जी, जिन कंपनियों को कोई ठेके मिल रहे हैं, कोई और फायदे मिल रहे हैं, कोई पॉलिसी उनके लिए बनाई जा रही है और वो घूस देना चाहते हैं सरकार को, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार चला रही है उसको घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे सकें। और क्योंकि वो गुप्त रखा जाएगा, बाकी सब एजेंसी से सिर्फ सरकार को पता लग सकता है, बाकी सब लोगों से सिर्फ सरकार को पता लग सकता है, इस वजह से एक तरह का कानूनी रास्ता खोल दिया गया घूस देने का। और कानूनी रास्ता ये खोला गया क्योंकि अगर इससे पहले घूस तो पहले भी दी जाती थी, दो नंबर में दी जाती थी, टेबल के नीचे से दी जाती थी, कैश में दी जाती थी। अब इन्होंने कहा है कि चूंकि हमने सारी इकोनॉमी को इतना वो कर दिया है, बिल्कुल कैश इकोनॉमी खत्म करने चाहते हैं, या ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो कैश के अंदर डील नहीं कर रही हैं, तो उनको कहा कि नहीं, तुम आराम से एक नंबर से घूस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस पर तुम्हें टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा, इस घूस पर तुमको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा। एग्जैक्टली, तो यही इसके पीछे नियत रही होगी, मैं आपसे कंफर्म यही करना चाह रहा था। पर सरकार ने दूसरा रीजन दिया, सरकार ने ये रीजन दिया, उन्होंने बोला कि भाई अभी तक ये कैश बहुत पार्टियों को दिया जाता था, क्योंकि पार्टी ये कह सकती है कि हमको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए मिले पेटी डोनेशन से, 20,000 रुपए से कम के, जिसका डिस्क्लोजर नहीं करना होता, तो इस वजह से हम एक तो ब्लैक इकोनॉमी, ये जो कैश इकोनॉमी को ब्लैक इकोनॉमी मानते हैं उसको कम करना चाहते थे। दूसरा रीज़न उन्होंने ये दिया कि हमारे पास ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई अगर खुलेआम कोई कंपनी किसी पार्टी को देती है तो दूसरी पार्टी अगर पावर में है या पावर में आती है तो वो उसको विक्टिमाइज कर सकती है, उसके खिलाफ कुछ कर सकती है, और इस वजह से हम ये चाहते थे कि भाई कंपनियां आराम से दे सकें, उनको कोई हिचकिचाहट ना हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हैं इसकी हिचकिचाहट ना हो कि ये पैसे देने से दूसरी पार्टी जो पावर में है या पावर में आती है बाद में, वो उनको विक्टिमाइज कर सके। ये उन्होंने रीजन दिया उस समय। मुझे लगता है वो कहते हैं ना, हाय मैं मरना जाऊं ऐसी बातें सुन के, इतनी खूबसूरत इतनी मासूम बातें। प्रशांत जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये बातें कहते हुए सरकारी वकील खुद नहीं हंसते, जज नहीं हंसते बात सुन के ऐसी बातें कि भाई तुम भी, सरकार कह रही है कि हाय किसी उद्योगपति को ऐसा ना लगे कि बेचारे को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और यहाँ दिन रात उनके ऊपर छापे डाल रहे हैं, जो मतलब
₹10 लाख भी दे देता है आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को, उसके अगले दिन छापा पड़ जाता है और वो कोर्ट में तो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो कोर्ट ने भी पूछा उनसे कि भाई सरकार को तो पता लग ही जाएगा, जो भी पार्टी पावर में है उसको तो कई तरह से पता लग सकता है जी। एक तो स्टेट बैंक उसके अंडर है, जी 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 स्टेट बैंक से पता लगा सकते हैं, दूसरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह सीबीआई वगैरह उसके अंडर है, उनके जरिए पता लगा सकते हैं, तीसरा इतना तो कंपनी के अकाउंट से आप पता लगा सकते हैं जो अकाउंट सबमिट करती है कि भाई उसने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, क्योंकि इतना तो उसको बताना होता है। नेचुरली अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ के खरीदे और रूलिंग पार्टी ने देखा कि भाई इस कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे पर हमारी पार्टी को तो इन्होंने 10 करोड़ भी नहीं दिया, यानी कि ज्यादा पैसा तो इन्होंने ऑपोजिशन को दे दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे भी वो लोग विक्टिमाइज कर सकते हैं। ये बात कोर्ट ने पूछी कि भाई उस हर एक पार्टी इतना तो पता लगा सकती है कि भाई इस कंपनी ने इतने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और हमारी पार्टी को तो दिया ही नहीं, तो इसलिए इसने दूसरी पार्टियों को ही दिया है। तो इसलिए ये जो आप फियर एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई पार्टियों को डर लगेगा कि विक्टिमाइज ना कर दें, ये तो इल्यूजरी फियर है, ये तो वैसे भी विक्टिमाइज हो सकते हैं क्योंकि इतना तो पता लग ही सकता है, सिर्फ जनता से ये बात छुपाई जा रही है कि किस कंपनी ने किसको फंड किया। अच्छा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू हुए पिछले 5 साल में, 5.5 साल में करीब 15,000 करोड़ के आरटीआई के जवाब में स्टेट बैंक ने बताया कि 15,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक इशू हुए हैं, लेकिन कल से नई विंडो खुल रही है, तो कल से 15 दिन के लिए विंडो खुली रहेगी, उसमें और कई 1,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाएंगे जी, और उस 15,000 करोड़ में से आधे से ज्यादा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हैं जी, यानी भाजपा जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है, और बाकी भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए हैं वो स्टेट्स की रूलिंग पार्टीज को ही दिए गए हैं, यानी कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो कि पावर में नहीं है सेंटर या स्टेट में, उनको करीब करीब 0 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। दूसरी दिलचस्प बात ये है कि करीब करीब सारे इलेक्टोरल बॉन्ड 95% इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ के इशू करे गए हैं जी, मतलब कि 10,000 का नोट कोई नहीं खरीदता, 10 लाख का नोट कोई नहीं खरीदता, सिर्फ 10 लाख के, तो 10 लाख के तो थोड़े खरीदे गए हैं, करीब 5% 10 लाख के हैं, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ इतने के ही सिर्फ खरीदे गए हैं, उससे नीचे के तो हार्डली कोई खरीदे गए हैं, वर्चुअली 0। सो जो ज्यादा पैसा है, करीब करीब सारा ही पैसा ये कंपनियां ही खरीद रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स रूलिंग पार्टीज को ही जा रहे हैं, खासकर जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ज्यादातर जिन पार्टियों को कुछ फेवर्स मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं सरकार से, वो लोग दे रही हैं सरकारों को, मेनली केंद्र सरकार को, थोड़ा बहुत राज्य सरकारों को। और 2 केसेस हम लोगों ने साइट करे थे, एक तो वेदांत जो कंपनी है जी, वेदांत लिमिटेड जो स्टरलाइट वगैरह कंपनी चलाती है, हाँ, जो खदाने वगैरह चलाती हैं जी, उन्होंने काफी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं 400 करोड़ से ज्यादा के, वो उन्होंने डिस्क्लोजर किया था, और उनको बहुत सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं। दूसरी बात, एक और कंपनी थी IFB एग्रो करके, उसने तो अपने बकायदा बोला था एक जगह कि भाई हमारे बहुत सारे एक्साइज इश्यूज आ गए थे, तो इसलिए हमने 40 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर दिए हैं, बकायदा बोल दिया जी 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 जी। तो मतलब मोटे तौर पे ये निष्कर्ष निकालें कि ये मोटी रकम ट्रांसफर करने के लिए बने हैं, छोटी रोजगार चेंज के लिए नहीं बने हैं,
मोटी असामी से रूलिंग पार्टी को मोटी रकम देने के लिए और एक नंबर का पैसा दो नंबर के रूट से देने के लिए बने। बिल्कुल बिल्कुल, मोटे तौर पर एक नंबर का भी पैसा नहीं है, ये सरकार की तरफ से बोला गया कि देखिए ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे एक नंबर का पैसा ही दिया जाए। लेकिन मैंने बताया कि देखिए, और कोर्ट ने भी बोला कि मान लीजिए कोई कंपनी जो है तो 100 लोगों से कहती है कि भाई तुम लोग 10-10 लाख के या 1-1 करोड़ के बॉन्ड खरीद लो, हम तुमको कैश दे देंगे और तुम हमको ये बॉन्ड दे दो जिससे कि हम पार्टियों को दे सकें। तो ये तो वही हो गया ना कि आप उसको आप कैश से ही इफेक्टिवली खरीद रहे हैं और उसमें आपको एग्जेम्पशन भी मिल जा रहा है। या नहीं, एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा लेकिन आप कैश से खरीद सकते हैं, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन उन व्यक्तियों को मिलेगा जी। दूसरी बात, बहुत सारी इसके साथ दो और चेंजेस करे गए। देखिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2017 के फाइनेंस एक्ट से लाया गया जी। उसी 2017 के फाइनेंस एक्ट में एक और चीज लाई गई कि जो कंपनियों के डोनेशन पर एक लिमिट थी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लास्ट 3 इयर्स की इनकम का 7.5% एवरेज प्रॉफिट जितना हुआ है वही आप पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पर दे सकते हैं। बिल्कुल, वो लिमिट पूरी हटा दी गई, वो लिमिट पूरी हटा दी गई। अब कोई कंपनी जो बिल्कुल शेल कंपनी जिसको कहते हैं ना, जिसकी कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, अब जैसे अडानी के केस में उन्होंने ओवर इन्वॉइसिंग से कम 25,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बाहर ले गए और टैक्स हेवन्स में कंपनियों विनोद अडानी उनके भाई की कंपनी में जमा कर दिया जी, ऐसी और रिपोर्ट्स हाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। और उन कंपनियों ने फिर हिंदुस्तान में आकर शेल कंपनीज खोली और उनके जरिए अडानी की कंपनी के ही शेयर्स खरीद लिए। एक अमेंडमेंट इन्होंने 2016 के फाइनेंस एक्ट से किया जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अमेंडमेंट, हम लोगों ने केस किया था जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को पकड़ लिया था वेदांत की एक लंदन की कंपनी से फॉरेन डोनेशन लेते हुए। उनकी सब्सिडियरी एक थी स्टरलाइट इंडिया में, 100% सब्सिडियरी एक लंदन की कंपनी की, उसके जरिए इन्होंने डोनेशंस लिए थे दोनों पार्टियों ने। तो जब हाईकोर्ट ने बोला कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तब इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को भी अमेंड कर दिया और ये कह दिया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपनी इंडिया में सब्सिडियरी के थ्रू पैसे देती है किसी पार्टी को या किसी पब्लिक सर्वेंट को तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। यानी कि मतलब ये तो तेहरा मार हो गया। मैं एक बार जरा समझा दूं लोगों को, पहली बात तो ये कि भाई मैंने कितना पैसा पार्टी को दिया किसी को पता नहीं लगेगा। दूसरा ये कि अगर मेरी इनकम जीरो है लेकिन मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं तब कोई एतराज नहीं कर सकता। पहले ये था कि भाई आपकी इनकम 100 करोड़ की होगी तो आप 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी पार्टी को नहीं दे सकते। अब कोई मतलब नहीं है, मेरी इनकम जीरो है, मेरा कोई बिजनेस भी नहीं है, फिर भी मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ, 50 करोड़ दे रहा हूँ, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं। और तीसरे शेल कंपनियों को भी आपने खोल दिया कि शेल कंपनी भी दे सकती है। बिल्कुल। और तीसरा ये कि विदेशी कंपनियां, ये जो बड़ी राष्ट्रवाद की बात होती है, बीजेपी ने विदेशी कंपनियां अपनी भारतीय सब्सिडियरी, अपनी मतलब जो भारतीय दुकान है उसके माध्यम से चाहे जितना मर्जी पैसा विदेशी पार्टियों को दे सके, तो जो चीन और विदेशी कंपनी से ले सके, विदेशी कंपनी से ये विदेशी कंपनी चाहे तो कितना भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर कोई चीन की कंपनी मान लीजिए बीजेपी को पैसा देना चाहती है और अपनी इंडियन सब्सिडियरी के जरिए उसकी जेब में डाल देगी, वो उठा के बीजेपी की जेब में डाल दे, तो इसमें कोई अब एतराज नहीं है। अभी इसको लीगल कर दिया है बीजेपी ने, जो बड़ी राष्ट्रवाद की बात करती है। तो इसके जरिए
ये जो पैसा जो ब्लैक मनी है जो ओवर इन्वॉइसिंग से हिंदुस्तान से निकाला गया और टैक्स हेवन में एक कंपनी में डिपॉजिट कर दिया गया जी, और उस कंपनी ने हिंदुस्तान में अपनी सब्सिडियरी खोल ली और उसकी सब्सिडियरी के जरिए पैसा दे दिया, तो वो सब लीगल हो जाएगा। यानी कि वो ब्लैक मनी जो है वाइट मनी की तरह, ब्लैक मनी टैक्स हेवन में जाकर वाइट मनी बनकर और पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है। ब्लैक मनी हो गई, विदेशी मनी नेशनल हो गई और छुपा हुआ चीज, पब्लिक चीज छुपी हुई हो गई, सब कुछ। मतलब इसीलिए शायद हमने शुरू में ही इसको गोरख धंधा कहा। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड का गोरख धंधा। और जो तो हम लोगों के जो कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स थे जी, जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स इसके खिलाफ हम लोगों ने इसको चैलेंज किया, तो शुरू में कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, इंटरिम ऑर्डर, कि भाई अच्छा अभी हम कोई इसको स्टे नहीं कर रहे, लेकिन सारी पार्टियां इलेक्शन कमीशन को अपना अकाउंट दे दें कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने किसने कितने पैसे दिए, यानी कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में ये इंफॉर्मेशन दे दे कि किसने दिए पैसे। वो उस समय का था, 2018 का एक ऑर्डर है, शुरू शुरू में जब इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुए थे। अब इलेक्शन कमीशन दो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो ऑर्डर कंटिन्यूइंग ऑर्डर था, आपको जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहे थे बार बार पार्टियों से पूछना चाहिए था कि इस ऑर्डर से कंप्लाई करिए और सारी इंफॉर्मेशन दीजिए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं नहीं जी, हमने बस 2018 में उनसे मांगा था, उसके बाद हमने कुछ मांगा ही नहीं। भूल गए? नहीं, भूल नहीं गए, हमने सोचा कि ये ऑर्डर सिर्फ पहले का था इसलिए हमने मांगा ही नहीं। एनीवे, हम लोगों ने ये तीन आर्ग्यूमेंट्स मेनली करे थे, हमने ये बोला। प्रशांत जी एक मिनट, उस पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो जिस प्रोसेस से ये आया उसके बारे में भी क्विकली हम दर्शकों अपने सारे साथियों को बताएं। बहुत अजीब तरीके से स्कीम लाई गई। आमतौर पे ऐसी कभी भी बड़ी कोई स्कीम होती है उससे पहले कंसल्टेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग होती है, उनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है, पूछा जाता है, और ये चूंकि पार्लियामेंट का कानून बनने जा रहा है तो इस कानून की एक ड्राफ्ट दिया जाता है पार्टियों को, उनकी राय मांगी जाती है। आमतौर पे तो ये भी है कि पब्लिक में इसको रखा जाए, पब्लिक को 45 दिन 60 दिन दें कि आप इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। जिस तरीके से ये आया, हर कदम पे इसमें कहीं ना कहीं दो नंबर का काम, जहां तक मुझे ध्यान है प्रशांत जी आप इसको सही बताएंगे, नंबर एक इस पे आरबीआई ने ऐतराज किया। आरबीआई ने कहा कि ये तो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को खत्म कर देगा, ये तो उसका वॉयलेशन हो जाएगा। सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका तो जवाब ही बहुत लेट आया है, जबकि सरकार ने भेजा उनको 48 घंटा पहले ही था। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ऐतराज किया, इसके ऊपर सरकार के अपने लॉ डिपार्टमेंट ने ऐतराज किया, लॉ मिनिस्ट्री ने ऐतराज किया, और इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया, बस उनको कहा गया कि ऐसी एक स्कीम लाने जा रहे हैं, आपका क्या विचार है। तो देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने, कांग्रेस ने, बीएसपी ने, तीन चार और पार्टियों ने ऐतराज किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ऐतराज किया। इन सबको दरकिनार करके सरकार इस बिल को ले आई, यही हुआ था ना? जी हाँ, और फिर इसको राज्यसभा को भी बाईपास कर दिया उठा के। जी हाँ, मनी बिल के जरिए ले आए। मनी बिल तो सिर्फ बजट होता है, अब बजट में ही ये सारे अमेंडमेंट्स ले आए, इनकम टैक्स एक्ट, रिजर्व बैंक एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सारे में ये सारे अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल के थ्रू कर दिए, बजट के थ्रू यानी कर दिए, जबकि बजट के थ्रू सिर्फ वही चीज़ें कर सकते हैं जो बजट से जिसका कुछ संबंध हो। इन सब चीज़ों का बजट से कोई संबंध नहीं था, तो शुरू से ही कर दिया। छुपाने की नियत, एक चोर दरवाजे से काम करना, और कहीं ना कहीं राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी तो राज्यसभा नहीं ले जाना चाहते थे। जी 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 जी, अब आप बता रहे थे कि आपने क्या क्या ऐतराज फिर वहाँ कोर्ट में उठाए। तो तीन आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे। एक तो ये था कि देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग के बारे में, ये जनता का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया था कि भाई जनता को
ये भी जानने का मौलिक अधिकार है कि भाई कैंडिडेट्स, हर कैंडिडेट के एसेट लायबिलिटी कितने हैं, जी 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 हाँ, और कैंडिडेट के क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स कितने हैं, उसको ओवरटर्न करने के लिए, उस आदेश को ओवरटर्न करने के लिए कानून लाया गया, उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया ये कह के कि भाई ये तो मौलिक अधिकार है, कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं हो सकता। तो पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग का ये था कि ये जनता का मौलिक अधिकार है ये जानने का कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं जी, और इसलिए आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड, गुप्त बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टियों के पास आने दे रहे हैं और लोगों का ये मौलिक अधिकार को आप डिफीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, छीन रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये था। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि ये करप्शन प्रमोट करेगा, क्योंकि आपने एक तरह से घूसखोरी को लीगलाइज कर दिया कि कोई भी कंपनी अब घूस दे सकती है, और ये समझ के कि भाई ये तो किसी को पता लगेगा नहीं कि भाई हमको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और हमने इस पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी को जिसने हमको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसको हमने इतने करोड़ रुपए घूस दे दिए, क्योंकि हम लोग के नाम तो पता लगेंगे नहीं, सिर्फ सरकार को पता लग सकते हैं, और सरकार को तो हम दे ही रहे हैं, वो क्यों हमारे खिलाफ कुछ करेगी। सही बात। और तीसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि ये हमारे पूरे लोकतंत्र को चरमरा देगा, क्योंकि अब इतना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आ रहा है ना, करीब 15,000 करोड़ आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, अब और आ जाएगा, 5 साल में ही 15,000 करोड़ आ गया। हमने बताया कि देखिए भाजपा को ही करीब 8,000 करोड़ मिल चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अब इलेक्शन में जो लिमिट है कैंडिडेट्स के स्पेंडिंग की, वो 1 करोड़ से कम है, यानी कि आप 500 कैंडिडेट लोकसभा में खड़े करेंगे तो आप 500 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते सब पर मिलाकर। लेकिन यहाँ एक पार्टी को 8,000 करोड़ मिल रहे हैं पांच साल में, तो आप वो सारा जो ऑलरेडी थोड़ा पैसे का खेल हो चुका है हमारा लोकतंत्र, उसको आप और पैसे का खेल बना रहे हैं, और नॉट ओनली पैसे का खेल बना रहे हैं, रूलिंग पार्टी को आप इतना बड़ा एडवांटेज दे रहे हैं कि इतना ज्यादा पैसा रूलिंग पार्टी को ही मिलता जाएगा और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तो खैर मिल ही नहीं सकता। तो आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर रहे हैं जी। ये तीन आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे जी। और हमारा, मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं थोड़ा सा अब जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पाँच सात मिनट में खत्म करना है, कि मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार ने सिर्फ यही दिया कि भाई हम तो ब्लैक मनी कम करना चाहते थे, इस वजह से पहले लोग कैश में देते थे, हमने ये बैंक के थ्रू कर दिया है कि बैंक से ही आप खरीद सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मेन आर्ग्यूमेंट था। और दूसरा वही विक्टिमाइजेशन का, तो विक्टिमाइजेशन का तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो कोई आर्ग्यूमेंट हमको सही लगता नहीं है आपका जी, जी, और जी। ये कैश खत्म करना, ये भी आर्ग्यूमेंट उनका एक्चुअली बिल्कुल बोगस है, क्योंकि पहली बात तो आप कैश से, ये कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि आप कैश से एक्चुअली खरीद सकते हैं, किसी को आपने कैश दे दिया उसने खरीद लिए और उसके बाद आपने उससे ले लिए और दे दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो कैश तो एक तरह से फिर भी चलेगा इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और ब्लैक मनी भी आ रहा है, अगर बाहर से आ रहा है तो बाहर जाकर ब्लैक मनी भी आ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट ने बहुत गंभीरता से हम लोगों के आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कम से कम एक चीज़ हमने आखिर में बोली थी कोर्ट से कि देखिए आपने वो इंटरिम ऑर्डर किया था कि भाई इलेक्शन कमीशन को सब लोग पूरे अकाउंट्स दे दें, इलेक्शन कमीशन को ना भी दिया हो तो स्टेट बैंक से तो पता लग ही सकता है, अगर आप इनको रद्द करते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर करिए कि आप स्टेट बैंक को डायरेक्ट करिए कि किन लोगों ने खरीदे थे, किन पार्टियों को दिए गए, वो सब बाहर आ जाए जिससे कि जनता का अधिकार जानने का पता लगे
और दूसरी बात, अगर इसमें घूसखोरी हुई है तो उसका भी पर्दाफाश हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें इसके जरिए घूसखोरी हुई है।